मैंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन इसके जैसी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और इस बुक की कुछ बातें इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे यूएस के प्रिजंस में तक बैन किया गया है, क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग ये चीज देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी सच कहता है उसकी आवाज हमेशा दबाई जाती है, बिकॉज दीज पावरफुल पीपल डोंट वॉन्ट यू टू नो देयर सीक्रेट्स। लेकिन ऐसा इस बुक में क्या है जो ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है? तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग एक एक करके इस बुक के हर एक लॉ को डिकोड करेंगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, एंड लेट्स डिकोड इट टुगेदर। लॉ नंबर वन, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस लॉ को अच्छी तरीके से समझने से पहले हमें एक ह्यूमन नेचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझना पड़ेगा, और वो चीज है इनसिक्योरिटी। ये चीज ना आपको किसी ने सिखाई है ना बताई है, लेकिन फिर भी ये ट्रेट आप में बचपन से मौजूद है। तो आपने ये चीज 110% नोटिस की रहेगी कि बचपन में जब भी हमारी माँ किसी और को अपने गोद में उठा लेती थी तो हम लोग रोने लग जाते थे, और तभी से एक्टिवेट हो चुकी थी ये ट्रेट विच इज नोन एज इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी देखा जाए तो दुनिया में 98% लोगों में ऑलरेडी मौजूद है, और बस 2% लोग जानते हैं उससे डील कैसे करना है। और बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी उन 2% लोगों से मुलाकात होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ आपको इन 98% लोगों से ही डील करना पड़ेगा। और इनसिक्योरिटी हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मौजूद है, हर एक जगह पे आपको इनसिक्योरिटी के कई सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बुक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, और इसमें ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो एक इंसान को मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसका पहला लॉ उसी का फायदा उठाता है, किसी और इंसान की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो, कभी भी उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस मत करो, क्योंकि इन द एंड यू वुड बी इन ट्रबल। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब भी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाते हुए कोई गलती कर दे और कोई बच्चा जाके बीच क्लास में सबके सामने उनको टोके और उनको करेक्ट करे, तो वो चीज किसी भी टीचर को पसंद नहीं आती। और आप ये चीज नोटिस करोगे कि उस टीचर का बिहेवियर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बदल जाएगा। और ये चीज जॉब में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने बॉस से शाना बनने की कोशिश करोगे, वो आपको अपनी जगह दिखा देगा। और ना सिर्फ प्रोफेशनल एरिया, पर्सनल एरिया में भी सेम चीजें होती है। आप अपने फैमिली में ही देख लो, जब भी आप खुद से बड़े किसी इंसान को कुछ बताने जाओगे या फिर कुछ सिखाने जाओगे तो वो आपसे एक ही चीज कहेगा, मैंने तो उससे ज्यादा दुनिया देखी है, तू मेरे को मत सिखा। यहां तक कि आपका अगर पॉइंट भी करेक्ट रहेगा तो भी आपको ही नीचा दिखाया जाएगा। इसी वजह से तो आज के इस प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में और स्कूल में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो चाटना जानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके सबका चाटना है, बट आपको वो चीज कॉन्शियसली खुद के बेनिफिट के लिए यूज करनी है, बिकॉज आपको अगर इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो कुछ अनस्पोकन रूल्स है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो नेवर आउटशाइन योर मास्टर का मतलब क्या है? अब मास्टर आपका बॉस हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, या फिर आपका बड़ा भाई हो सकता है। जो भी इंसान एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपसे थोड़ा सा ऊपर है या फिर आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता है, उसे एग्जाम्पल के लिए अपना मास्टर समझ लो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको उससे स्मार्ट नहीं दिखना है। एक चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि लिसन मोर एंड टॉक लेस। आपको खुद को पता है आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, आप उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है कि आप डम हो, बिकॉज फॉर सम रीजन पीपल लाइक टू स्टे अराउंड दोस पीपल हु आर मोर डम देन देम। ऐसे लोग बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और आपको वही करना है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम समवन, दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। जो अगर आप गलती से भी उनसे थोड़ा स्मार्ट दिख जाओगे तो आपको वो कभी नहीं सिखाएंगे। और किसी के सामने भी डम दिखना आपकी वीकनेस नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के सामने वीक दिखोगे तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर वो चीज एक पॉइंट के बाद आपको एक पावरफुल पोजीशन पे ला के रख रही है तो वो आपकी वीकनेस नहीं है। आपने बस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को कंसील करके रखा है और दुनिया से छुपा के रखा है ताकि सही टाइम पे आप उसका यूज कर पाओ। मैं आपको एक चेस का एग्जांपल देके समझाता हूं। एंड चेस प्रोबेबली इसी वजह से मेरा एक फेवरेट गेम बन चुका है, बिकॉज हर एक मूव को खेलने से पहले आप उसके आगे के 10 मूव सोच के रखते हो। और कई बार आपके गेम में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे आपको एक प्यादे की कुर्बानी देनी पड़ती है। यू हैव टू सैक्रिफाइस इट इफ यू वांट टू विन द गेम। सामने वाले को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो जीत रहा है, सब उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। ऐसे मोमेंट्स में कई बार सामने वाला अपना डिफेंस मैकेनिज्म ड्रॉप कर देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू अटैक। उसको लग रहा था पूरा गेम उसके कंट्रोल में है, बट इन रियलिटी शुरुआत से गेम को आप ही कंट्रोल कर रहे थे। बहुत बार गुस्से में हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए तो हमेशा आपको कहा जाता है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लिया करो। एंड आचार्य चाणक्य को भी इसी वजह से दुनिया का सबसे स्मार्ट टीचर कहा जाता है, बिकॉज उन्हें अच्छे से पता था कि कौन सा मूव कब खेलना है और कब शांत रहना है। और अगर आप जाके चाणक्य की नीति भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बुक बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बट जितनी भी सारी बुक ब्लंट है और सच कह रही है वो इस दुनिया को मैनिपुलेटिव लगती है। बट इन द एंड सब कुछ पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, क्या वो ये सारी टैक्टिक्स जो मेंशन की गई है वो अटैक करने के लिए यूज करेगा या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए। तो आज का लॉ यही था कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आई होप आपको ये समझ में आगे रहेगा और आप इसे अच्छे के लिए यूज करोगे। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगले वीडियोस में कौन से टॉपिक चाहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।